टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुरक्षा बल होने चाहिए थे, जिस मात्रा में वो नहीं थे, और इसीलिए राहुल जी को गाड़ी में आना पड़ा। ये तो ये प्रशासन से चूक है, ये प्रशासन की चूक है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आज हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, एक ही व्यक्ति को की हुकूमत है। आज जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अभी अभी राहुल जी की सिक्योरिटी टीम और प्रशासन के बीच में बातचीत चल रही है, ताकि ये कल ये दोहराया नहीं जाएगा, और परसों भी जो यात्रा है उसमें भी ये परेशानी हमें इसकी सामना करना नहीं पड़ेगी। हम आज कल और परसों कश्मीर में हैं, और 30 तारीख को हमारे PCC ऑफिस जो लाल चौक में है वहाँ तिरंगा फहराएंगे, और 11:30 बजे स्टेडियम में जो 13 पार्टी को निमंत्रण दिया गया है, विपक्ष की पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है, लाइक माइंडेड पार्टीज, उनके नेता या नुमाइंदे वहाँ मौजूद होंगे, और करीब 1.5 घंटे के लिए वो समारोह होगा। ये अंतिम समारोह होगा इस भारत जोड़ो यात्रा का। 3 ऐसे मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी समझती है और सोचती है और प्रचार करती है कि हमारे समाज और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हुआ है। एक तो हमारे समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, हमारे आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी आप सब देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, एक ही उद्योगपति, एक ही पूंजीपति के साथ सारे के सारे उद्योग उनके हाथ में सौंपे जा रहे हैं, उन्हीं को सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेची जा रही हैं। तो एक तो आर्थिक विषमताओं के कारण हमारा लोकतंत्र खतरे में है। दूसरी बात, RSS और BJP की विचारधारा हमेशा विभाजनकारी विचारधारा रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण उनकी रणनीति है चुनावी फायदे के लिए, और ये सामाजिक ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर हमेशा किया जाता है, और सामाजिक ध्रुवीकरण का ये नतीजा है, जैसा कि राहुल जी ने कहा, नफरत फैलता है, सद्भावना को चोट मिलती है, और हमारा देश कमजोर हो जाता है। और तीसरा खतरा जो आज देख रहे हैं हमारे लोकतंत्र के सामने, वो है राजनीतिक तानाशाही। आज हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, एक ही व्यक्ति को की हुकूमत है, पार्लियामेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है, पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होती। हमारे जो मिसाल के तौर से जो हमारे सीमा में जो खतरे हैं चीन को लेकर, उस पर 2.5 साल हो गए, पर पार्लियामेंट में उस पर कभी बहस का मौका नहीं मिला। संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, और एक प्रयास किया जा रहा है
हमारे न्यायालय को खत्म करने के लिए। रोज बयान आते रहते हैं कि न्यायालय को भी प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अंग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप भारत जोड़ो यात्रा पर क्यों निकले हो? क्योंकि भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है, हम कह रहे हैं भारत टूट रहा है, खतरे हैं, और अगर हम कार्रवाई अब नहीं करेंगे तो हमारे लिए और भी खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, जनता को उजागर कर रहे हैं, और आरएसएस बीजेपी की विचारधारा को सीधे विचारधारा के मैदान में हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। चुनावी रणनीति से भारत जोड़ो यात्रा का ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। इसका चुनाव पर क्या असर होगा जम्मू और कश्मीर में या अलग राज्यों में, 2024 में क्या असर होगा, यह सब सवाल बाद में सोचा जाएगा, उसका जवाब मिलेगा। पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने इन मुद्दों पर सोचा ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, राहुल जी बार बार कहते हैं, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही है कि हमारे समाज और हमारे देश और हमारे लोकतंत्र के सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता है आरएसएस बीजेपी का, और उस रास्ते में एक व्यक्ति एक तंत्र का तोप चला रहे हैं, और दूसरा रास्ता है सद्भावना का रास्ता, कांग्रेस का रास्ता, महात्मा गांधी का रास्ता, राहुल गांधी का रास्ता, जहां लोकतंत्र की शहनाई बजाई रही है। तो एक तरफ लोकतंत्र की शहनाई बज रही है और दूसरे तरफ एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है। यही हमारे देश के सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की पृष्ठभूमि यह है। आपके मन में कई सवाल होंगे, आर्टिकल 370 का क्या होगा, क्या गुपकार अलायंस का क्या होगा, ये सब राजनीतिक मुद्दे के लिए अलग मौके मिलेंगे। आज हम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की सोच रहे हैं, विचारधारा के बारे में सोच रहे हैं, और बार बार जो राहुल जी समाज के हर वर्ग से मिल रहे हैं, किसान, महिला, दलित, पूर्व सैनिक, विस्थापित लोग, सभी से मिल रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी समस्याएं, ताकि वो पार्लियामेंट में जब उनको मौका मिलेगा उसको उठा सके। अंतिम क्षण तक राहुल जी चलना चाहते थे, अंतिम क्षण तक, पर उनको एक निर्णय लेना चाहिए था। जो निर्णय उन्होंने लिया उनके सुरक्षा सलाहकारों के आधार पर ही, जो उन्होंने कहा गया, सलाह दी गई, उसी के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। पर अंतिम क्षण तक वो चाहते थे कि वो जो 12-13 किलोमीटर बाकी हैं वो चले, पर सुरक्षा सलाहकारों ने कहा बिल्कुल नहीं चल सकते आप, और तभी वो गाड़ी में बैठकर निकल गए। हालांकि जो भारत यात्री हैं वो चलकर आए। मैंने जो देखा, मेरे विचार में जिस मात्रा में क्राउड मौजूद थी उसका अनुमान पहले ही लगाना चाहिए था प्रशासन को, और प्रशासन को इस बहुत ढीले ढंग से लिया। जो सुरक्षा बल होने चाहिए थे जिस मात्रा में, वो नहीं थे, और इसीलिए राहुल जी को गाड़ी में आना पड़ा। ये तो ये प्रशासन से चूक है, ये प्रशासन की चूक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। ये सुरक्षा की ओर से एक बहुत बड़ा चूक है, ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इस पर अभी बातचीत चल रही है, हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन और राहुल जी के जो सुरक्षा टीम है, सिक्योरिटी टीम है, प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बात हो रही है इसके बारे में। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, ऐसे गंभीर मुद्दों पर बॉल बाय बॉल कमेंट्री देना उचित नहीं है। जो कुछ कार्रवाई करनी है प्रशासन की ओर से हमें कल दिखाई देगा। हम उम्मीद करते हैं कि कल और परसों जो घटना हुई आज वो दोहराया नहीं जाएगा। एसओपी का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ, कहीं भी नहीं। दिल्ली में एक बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई थी जब हम दिल्ली आए थे 24 दिसंबर को। पंजाब ऐसे संवेदन राज्य में एक भी सिक्योरिटी लैब्स हमें देखने को नहीं मिला, पर जम्मू और कश्मीर में अफसोस की बात है, खास तौर से कश्मीर में पहला ही दिन में एक लैब्स हमें एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कल और परसों प्रशासन ऐसे कदम लेंगे, और जो कुछ वो एसओपी हमें बताएंगे हम उसका पालन करेंगे। सर, एसओपी का कभी उल्लंघन नहीं होता है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि उन्होंने कहा जम्मू में
जो पहला कार्यक्रम था, उन्होंने कहा मेरे पूर्वज कई 150 साल पहले कश्मीर से अलाहाबाद चले गए और मैं 150 साल बाद चल के वापस उसी जगह में आ रहा हूँ जहाँ से मेरे पूर्वज अलाहाबाद निकले।